अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने ये 3000 वाट का इन्वर्टर लगाया है जो बैटरी से 12 वोल्ट करंट लेकर 220 वोल्ट निकाल रहा है और इस पर हम इस्त्री चला रहे हैं। तो मैं आपको सारी वीडियो दिखाता हूँ। ये इस्त्री चल रही है जो 1000 वाट की इस्त्री है जो बिजली पे चलने वाली। ये भाई काम करता है, इसकी काज वाली मशीन है, ये ओवरलॉक वाली है, ये भी इस पर चल रही है। और ये देखो, ये डायरेक्ट इस्त्री का ये देखो स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और वो उधर इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर के पीछे लगा हुआ है स्विच, और उधर बैटरी से लगा हुआ है। और 23 प्लेट बैटरी है हॉक कंपनी की जिस पे हम चला रहे हैं। इसे प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, बिल्कुल इजी चला रहा है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखो अगर जगदी भाई से लाइट जगदी भाई, ये देखो इस्त्री चल रही है, इस पर कपड़े भी इस्त्री हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, ये लोड चला रहा है 13.1, ये देखें 2 वोल्ट और 240 वोल्ट करंट ये दे रहा है। ये डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ लगी हुई है, ये देखो इसके साथ कोई वायर नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा हुआ। ये इन्वर्टर है, ये तार लगी हुई है इसकी सीधी सीधी बैटरी में, और बैटरी से ये करंट लेकर ये सप्लाई कर रहा है। ये काज वाली मशीन पड़ी हुई है, ओवरलॉक वाली, ये काज वाली पड़ी हुई है। और यहाँ पर भाई काम कर रहा है इस इस्त्री से, और लाइट बिल्कुल ऑफ है। लाइट का भी आपको चेक कराते हैं, लाइट नहीं है, कोई चीज़ नहीं चल रही, लाइट बिल्कुल ऑफ है। और बगैर लाइट के चल रहा है। इस पर हमने ये मशीन भी चला के देखी थी, ओवरलॉक की, काज की भी चला के देखी थी, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल इजी चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।